औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिडिल सेक्शन का क्विज कंपटीशन है जना से कायद, जना टू कायद। जना से कायद तक का जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र है पैदाइश से लेके मौत तक का, उस पर 120 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन्हीं में से क्विज होगा। तो सबसे पहले मेरे राइट साइड पे कौन सा हाउस है? येलो हाउस है। तो येलो हाउस आप यहां से 20 क्वेश्चन निकाल लेंगे। सर आप काउंट करें जी, वकील 20 क्वेश्चन हैं जी। आपका कौन सा हाउस है जी? ऑरेंज हाउस। ऑरेंज हाउस यहाँ से 20 क्वेश्चन निकाल लें। देख देख के कितना निकालें, आप निकालते हैं, देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, ये फोल्ड है, बंद है। सर ये 20 पूरे हैं, किधर रखे? सर 20 पूरे निकाल लिए सर, आप काउंट करके इधर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम येलो हाउस से इब्तदा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक्स्ट्रा ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछें जी आप येलो हाउस से। येलो हाउस आपका कायदे आज़म और इनकी दूसरी बीवी की उम्र में, उम्रों में क्या फर्क था? 24 साल का। क्यों सर? यस सर, जवाब दो। आपका क्वेश्चन नंबर है 91। कायदे आज़म के अलावा बंबई में कोई और मुस्लिम वकील भी था? कायदे आज़म के अलावा बंबई में कोई और मुस्लिम वकील भी था? कोई नहीं था जी। जी सर जवाब। जी सर जवाब दोस्त है जी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, नहर सुएज कैनाल खुलने से कराची कैसे तजारती हब बना? नहर सुएज खुलने से कराची कैसे तजारती हब बना? कराची यूरोप से 200 मील करीब हो गया था। जवाब दोस्त है सर। कयाम पाकिस्तान के वक्त भारत से पाकिस्तान कितने लोगों ने हिजरत की? 1000 जी सर। ठीक है जवाब। 1000। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कब दफनाया गया?
जवाब सर यस सर सही दुरुस्त है क्या फातिमा जिना ने शादी की थी नहीं फातिमा जिना ने शादी नहीं की थी जवाब दुरुस्त है जी सेवेंटी थ्री आपने नोट करना है किसी ने गलती की कितनी गलतियां अभी तक गलती कोई नहीं है कायदे आजम का खानदान कब कराची मुंतकिल हुआ कायदे आजम का खानदान कब कराची मुंतकिल आप उसे मशवरा करो तीनों क्या बस قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی پہلا لفظ بتا دیں آپ سے مشورہ کریں کیا بات کیا بات کر سکتے ہیں پندرہ سیکنڈ تک آپ پندرہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ مشورہ کریں ممبئی کے پرائمری اسکول بمبے کے پرائمری اسکول سر ٹھیک ہے بمبے کا پرائمری سر گوگال کا बॉम्बे का ही था वैसे नहीं सर बॉम्बे नहीं जी गोगालस नहीं गोगाल प्राइमरी स्कूल ठीक है ये तो हाँ जो आप दोस्त मानते हैं कराची से पहले हिंदुस्तान में कौन सा शहर तजारती हब था जबरदस्त बॉम्बे कराची से पहले हिंदुस्तान का बॉम्बे जो था वो तजारती हब था जवाब दुरुस्त है कायदे आजम का पेशा क्या था सियासतदान और वकील दुरुस्त है जवाब दुरुस्त है कायदे आजम की पहली बच्ची का क्या नाम था डियाना वाडिया डियाना वाडिया कौन सा वाडिया डियाना डियाना वाडिया जो आप बस मानते हैं कायदे आजम मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए 1913 जो आप दुरुस्त जो आप दुरुस्त कायदे आजम कहाँ पैदा हुए कराची में शाबाश कायदे आजम की के वालदेन कौन सी जुबान बोलते थे गुजराती जुबान क्या कायदे आजम के और बच्चे भी थे कदम जी एक ही बच्ची थी जिना कब से तबक के शिकार चले आ रहे थे जिना कब से तपेदिक के शिकार से चले आ रहे थे और कायद ने अपनी मर्ज छुपाई हुई थी अगर हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चल जाता कि कायद को ये मर्ज है जल्दी मरने वाले हैं तो कभी भी बाउंड्री कमीशन मुकर्रर ना करते
1916. सर क्या ख्याल है जी? सर गलत गलत हो गया। चलिए दो दो तीन सेकंड हम और आपको दे दीजिए। कैजाजम को कब से टीबी की मर्ज थी? यार सीधी सी बात है, किस सन से थी जिसमें डिग्नोज हुई थी, उनको पता चल गया था कि मुझे टीबी की मर्ज है? बस 1942 भी नहीं, जवाब गलत है। तो हमारा जो कौन सा ऑरेंज हाउस है, इसने एक जवाब जो है वो ये गलत कर दिया है। सर अगला आपका ये आपके 42 एक बार फातिमा जना का पेशा किया था? फातिमा जना वाज अ डेंटल सर्जन। शाबाश, जवाब दुरुस्त। कायद आजम ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? लंदन। जी सर जवाब लंकन है। ना 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 ठीक है, एक मिनट सर, कहाँ से मुराद? दो बातें होती हैं, दो बातें, लिंकन एंड लंदन। शाबाश, जवाब दोस्त मानती है। लंदन भी सर ठीक ही है, तो कहाँ से मुराद जो है यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती है, साथ जगह भी है ना। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा किसने पढ़ाया? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अलामा बशीर अहमद उस्मानी। जवाब दोस्त मानते हैं। कायद आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत कब इख्तियार की? 1920। एक मैं इनको दो तीन सेकंड और देता हूँ। नहीं, जवाब गलत है जी। सर करेक्ट जवाब बता दें बच्चों को। 1906। चलिए सर, मिसाके लखनऊ कब टेप आया गया? कब टेप आया मिसाके लखनऊ कब टेप आया? 1916। ठीक है, 16। शाबाश। फातिमा जिना की कब वफात हुई? 1900। बेटे मैंने आपको कहा मशवरा कर, आप सारे बोल रहे हैं। 1965 में उसने इलेक्शन लड़ाया सिद्धार्थी। चले अभी बता दे 1967। जवाब दोस्त है। कायद आजम बंबई में किसके पास रहे? अपने खाला। सही, लखनऊ में कायद आजम अपनी खाला के पास रहे। शाबाश, जवाब दोस्त। कराकली टोपी को जिना केप क्यों कहा जाता है? कायद आजम ने वो टोपी पहनी थी। कायद आजम के 14 नुकात का क्या मकसद था? ताकि मुसलमानों के लिए भी एक अलग मुल्क बने।
बेटे मशरा करें, मशरा करें। क्यों सर? जवाब दोस्त है। कैद आजम के दादा आया नाम था, कैद आजम के दादा आया नाम था। जवाब दोस्त मानते हैं। सर एक गलती से सादी पर्ची आ गई। जी सर। सर 71 सर वो गए 14 अंकात वाला वही था। 71 था। अब कौन सा आएगा? इस कायदे आजम का मजार कहाँ पर है? कैसा उनका मजार? कराची में है। सबसे आसान क्वेश्चन आ गया आपका। कायदे आजम की कुल कितनी औलादें थे? एक बेटी। जवाब बोलो। कायदे आजम की सिर्फ एक ही बेटी थी। कायदे आजम की दूसरी बीवी का मुसलमान नाम क्या था? मरियम। मरियम जिना। तालियां बजाएंगे। क्या फातिमा जिना ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था? फातिमा जिना ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। शाबाश जी। जवाब दोस्त है। कायदे आजम को वकालत के मैदान में कब रोज मिला? कायद आजम को वकालत के मैदान में कब अरूज मिला? एटीन हंड्रेड में। कह देता हूँ आगे आप कहते हैं। हाँ जब उन्होंने चेयरमैन के चेयरमैन का ओहदा किया था तो उनको खास खबर मिली। सर आपने सिर्फ साल पूछा है ना, कब से मुराद है किस साल में उनको वकालत मैदान अरूज मिला? ठीक है, मैंने इनको कह दिया 1800, मैंने बता दिया, आगे आप बता दें। ये बात है ना, 1897 से 1900। क्यों सर? ये आगे चले गए हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में ना। अरूज। चले जी आपका टाइम खत्म हुआ जी। सर कौन सा ये करेक्ट आंसर है जी? इसका आंसर आता है सर कि अरूज मिला है 1900 के बाद, 1901 से बाद। वाह ठीक है जी। क्या कायदे आजम के सारे बहन भाई कराची में पैदा हुए? अभी मैंने पूछा तो उससे अभी सर सब के बारे सही। क्या कायदे आजम के सारे बहन भाई कराची में पैदा हुए? सही है। कायदे आजम के दादा किस मजहब से मुसलमान हुए थे? कायदे आजम के दादा हिंदू मजहब से मुसलमान हुए थे। क्या देना वाड़िया की शादी कायद की मर्जी से हुई? जबरदस्त।
मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का मुतालबा कब और किसने किया? ठीक है सर, शाबाश जी, जवाब दो। कायदे आज़म की वाला मिट्टी बाई की कंपनी का क्या नाम था? ग्राम्स ट्रेडिंग कंपनी। सही शाबाश, जवाब दुरुस्त है। लॉर्ड माउंटबेटन को जब जिना की सेहत खराबी सेहत का मालूम होता तो इसके क्या अल्फाज थे? लॉर्ड माउंटबेटन को जब जिना की खराबी सेहत का पता चला तो उसने क्या अल्फाज कहे थे? उसने कहा कि अगर हमें उनकी खराबी सेहत का मालूम होता तो हम उनकी मौत का इंतजार करते और यूं हिंदुस्तान को तकसीम से बचाया जा सकता था। क्या बात है, द आंसर इज करेक्ट। उसने कहा था कि अगर हमें जिना की इस मर्ज का पता होता तो हम हिंदुस्तान को तकसीम से बचा लेते। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन था। कायदे आज़म के वालदेन किस शहर से हिजरत करके कराची आए थे? काठियावाड़ से। अच्छा बच्चों, आप ये बताएं इन दोनों में से आज का कंपटीशन किसने जीता है? येलो हाउस ने। किसने? येलो। कौन सा है? येलो। आप अजीब बैठे हुए हैं, आपने वो वोटिंग तो नहीं देनी है, आपने सच बात करनी है और झूठ बोल रहे हो। ये कोई वोटिंग तो नहीं, आप हाथ खड़ा करनी, आप किसके साथ हैं? नहीं, आपने तो मैंने आपसे कहा था आपने वो बताना है कि जिसने ज्यादा जवाबों के ज्यादा सवालों के जवाब दिए होंगे वो येलो हाउस है। कौन सा हाउस है? येलो हाउस है। ठीक है बच्चे,